नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी मांगे उत्तर में। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी मांगे उत्तर में आज बात नाम बदलने पर हो रही सियासत की करेंगे। यूपी में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। बीजेपी इसे राष्ट्रभक्तों का सम्मान करार दे रही है, जबकि विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया है। आज हम इससे जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर नाम बदलने का मकसद है क्या? क्या नाम बदलने से 2019 की राह आसान होगी? अगर नाम बदला जा रहा है तो विरोधी क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर नाम बदलने में ऐतराज है तो पिछली या पहली की सरकारों ने ऐसा क्यों किया और मौजूदा सरकार को बदनाम क्यों किया जा रहा है? सवाल इस बात का भी उठता है कि क्या बीजेपी सरकार वास्तव में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? क्या नाम बदलने से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा? सवाल यह भी खड़ा होता है कि 2019 में नाम बदलने के सहारे क्या सभी काम बन जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको सबसे पहले मेहमानों से रूबरू करा दें। मनीष शुक्ला साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मनोज यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश सिंह चौहान और वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी भी आज हमारी चर्चा में शामिल होंगे। मेहमानों का रुख करें उससे पहले आज की एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बताया, जबकि विरोधी कई सवाल उठा रहे हैं। जिस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी, वो मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जोड़ने का महान कार्य आज संपन्न हुआ। पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, और आप सोचिए कि किस आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, अगर केंद्र और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती तो क्या ये मुगलसराय का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर हो पाता? हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि आपके रेलवे स्टेशन का नाम अब आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। मुगल सराय से कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। मुगल सराय एक राजस्व ग्राम की तरह अर्थबोधक था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को, दुनिया को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को प्रेरणा देगा। यह जंक्शन आते जाते भारतीय जनता पार्टी को नाम की सियासत करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसलिए नाम की सियासत कर रहे हैं कि लोग इनसे ना पूछें कि रोजगार कितने दे पाए, स्मार्ट सिटी कितने बना पाए, एम्स कितने बना पाए, रोजगार कितने दे पाए, एक सर के बदले 10 सर लाए या नहीं लाए, आप काला धन ला पाए या नहीं ला पाए, या आपके मित्र और आपके जानकार, आपके रिश्तेदार देश का पैसा लेके चले गए, इस पर बहस ना हो, इसलिए वो नाम की सियासत हो रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं, विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और पहला सवाल मैं मनीष जी आपसे करना चाहूंगा। सर, शेक्सपियर ने बहुत पहले कहा था, आपको याद होगा, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। तो सवाल आपसे इसलिए, सर इतने सारे नाम बदल कर क्या करेंगे, सर नाम में क्या रखा है? मृदुल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आधुनिक राजनीति में राजनीतिक शुचिता और सादगी के प्रतीक थे। उनके जीवन से, उनके जीवन का एक दुखद पहलू मुगल सराय से जुड़ा हुआ था। उनका पार्थिव शरीर मुगल सराय स्टेशन पर मिला था। उनकी स्मृति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम किया गया मुगल सराय का। मुगल सराय जंक्शन से किसी को कोई प्रेरणा या कोई अर्थबोध नहीं होता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जब लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उनका एक जो चित्र सामने आएगा, निश्चित रूप से उससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। एक ऐसे, कुछ ऐसे लोग भी राजनीति में थे जिन्होंने सुचिता सादगी की मिसाल पेश की, जिनकी परिकल्पना थी
कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं पहुंचता तब तक वो विकास नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, अंत्योदय का लेकिन मनीष जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये आपकी कोशिश है कि लोगों को प्रेरणा मिले नाम से, लेकिन सर आपको कानपुर का नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ रही है? आगरा एयरपोर्ट का नाम क्यों बदला जा रहा है? बरेली का नाम क्यों बदला जा रहा है? इलाहाबाद का नाम आप कहेंगे तो मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे पौराणिक है, मान लेता हूं आपकी बात पौराणिक है, लेकिन इन तीन का जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए कानपुर का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी, हाँ अब गणेश शंकर विद्यार्थी का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या भूमिका थी, चकेरी से अगर गणेश शंकर विद्यार्थी नाम रखा जा रहा है हाँ। तो मुझे लगता है कि ये सब तो महापुरुष थे हाँ। और इस देश में महापुरुषों के नाम से, राजनेताओं के नाम से हजारों हजार योजनाएं और नाम पड़े हुए हैं, कोई भी जिला नहीं हाँ। बचा है जहां एक चौराहा से लेके और विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के नाम, विभिन्न योजनाओं के नाम न पड़े हो हाँ। आखिर गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से किसको आपत्ति हो सकती है? ठीक है, नाथ एयरपोर्ट से किसको आपत्ति हो सकती है? आपत्ति इस बात से नहीं है। लगता है कि मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, किसी के नाम से प्रेरणा मिलती है, लेकिन सर वहां पर कोशिश ये होनी चाहिए कि सुविधाओं में विस्तार हो, सुविधाएं सुधरे। नाम में क्या रखा है? नाम बदलने से अगर सब कुछ बदल रहा हो तो सर मैं आज अपना नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जेम्स बॉन्ड रख लूंगा, लेकिन सर स्थितियां बदलनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल जी, आपका प्रश्न वैलिड है हाँ। आपके प्रश्न से मैं सहमत हूँ, लेकिन योजनाएं, सुविधाएं और कार्य ये अलग विषय है और नाम अलग विषय है, दोनों कोरिलेट नहीं हो सकते। हम नाम के आधार पे चुनाव में जाने वाले नहीं है हाँ। हम चुनाव में जाके ये कहेंगे कि हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया मुगल सराय का, इसलिए हमको वोट दीजिए। हम जाके कहेंगे हमने गरीबों को पक्की छत दी, हम शौचालय हम दे रहे हैं, हमने 5 करोड़ लोग को LPG दी है, हम यूरिया दे रहे हैं किसानों को, आजादी के 70 दशक बाद 1.5 गुना MSP दे रहे हैं। हम इस आधार पर विकास का जो काम हमने किए हैं उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगने जाएंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका कहना है सिर्फ हम इसलिए नाम बदल रहे हैं क्योंकि कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं या लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्या मनोज यादव साहब इस बात से आप सहमत हैं? क्या यही एक कारण है नाम बदलने के पीछे या फिर मंशा कुछ और है? देखिए मृदुल जी, एक बात इस बहस में जरूर आनी चाहिए कि इस देश में तमाम महापुरुष हुए, वो महापुरुष चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी धारा के रहे हों या तमाम सारी विचारधाराओं के हाँ। जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, उनके नाम से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको इस हिंदुस्तान के कोने में मिल जाएगा। ठीक, अब जिनके लिए BJP की छटपटाहट है कि उनके नाम के भी कुछ मायने आ जाएं, कुछ चीजें बन जाएं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया होगा, वो इसलिए रह गए। BJP का इतिहास नहीं है कुछ, और खासकर ऐसा इतिहास नहीं है जो इस देश की माटी में समाहित हो। जब स्वतंत्र हुआ ये देश, उससे पहले RSS का कोई इस देश पे किसी तरीके का, किसी भी तरीके का, धैर्य रखिएगा थोड़ा सा धैर्य रखिए और आप ही से सवाल होंगे। तो BJP का भी कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा जिसके लिए दूसरी पार्टियां मजबूर हो जाएं। जैसे इंदिरा आवास की बात कर लो, कोई भी पार्टी रही हो, इंदिरा आवास आज भी चल रहा था, ठीक है, वो उनका एक इस देश को लेके उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो देश की एक सशक्त प्रधानमंत्री रही। तो ये सब बेचैन आत्माएं हैं जो किसी तरीके से अपना एक इतिहास गढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात करूं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को अगर उनके नाम से इस देश में तमाम सारी चीजें हैं, वो समाजवादी सरकार रही तो सर, और नहीं रही तो पीछे तो आप भी नहीं रहना। इस देश के तमाम सारे, मैं बताता हूँ, पिछली सरकार ने भी एक प्रस्ताव दिया नाम बदलने को लेकर। आपने बहुत कुछ मुझे बताया है, मैं भी थोड़ा बता दूं। आपकी रेलवे स्टेशन का नाम याद होगा सर, आपने प्रस्ताव दिया था आपकी सरकार। मैं जाना चाह रहा हूँ हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है हाँ। उसको पहचान की क्या जरूरत? जैसे अभी की आपके एक नेता ने, BJP के नेता ने कहा
कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाना जाएगा। जैसे मुगल सराय को गूगल सर्च करता ही नहीं था, गूगल कहता था ना 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 मैं मुगल सराय को सर्च नहीं करूंगा, अब पंडित दीनदयाल जी के नाम को गूगल सर्च करेगा, YouTube भी सर्च करेगा और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाने जाएंगे। इनकी भाषा बड़ी अजीबोगरीब है, इसलिए मैंने इस बात को कहा। बाकी ठीक है, आपकी सरकार है, आप नाम बदलिए, लेकिन जो मूल प्रश्न है जो आपने अभी उठाया, हाँ। बहुत बड़ी बात आपने कही कि स्थितियां बदलनी चाहिए। अगर आज वो मुगल सराय से जंक्शन से दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे हो गया तो मेरा मानना है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं वहां होनी चाहिए कि तो लोगों को लगे ये चैलेंज है। कुछ अलग से इसका जवाब लेंगे, ये चीज अलग तस्वीर हम ही सामने दिखाएंगे आप सभी को कि कितना बदला नाम बदलने के बाद माँ का हाल। हमारे साथ मुकेश सिंह चौहान साहब जुड़े हुए हैं। मोदी जी का जयपुर गांव का नाम बदल गया, अगर आ गया मनोज जी आऊंगा वापस करने लगा। मोदी जी ने जिन गोदों को प्रतिक्रिया सबसे ले लेता हूं सर, पहले गांव को उनकी क्या स्थिति है सर। ठीक है, एक एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं फिर आपके पास भी आऊंगा। मुकेश सिंह चौहान साहब जी जी बिल्कुल, नाम से सबसे ज्यादा नाता तो सर आपका ही रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नाम में क्या रखा है। क्या आपको भी लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है इसलिए ये बदला जा रहा है? देखिए, कांग्रेस का इतिहास आजादी से है और कांग्रेस ने के नेताओं ने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया है और इस देश के लिए बलिदान दिया है, और भाजपा और आरएसएस का किसी भी नेता का नाम इस देश की आजादी में आज तक नहीं आया। और मुगल सराय की जो बात है, जो सरकार आती है वो अपने अपने नाम के एजेंडे को बढ़ाती है। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम कई योजनाएं हैं, उन देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। इंदिरा जी के नाम है, इंदिरा जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। राजीव जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो लाने का काम किया है, उपाध्याय के नाम पे नहीं रखना चाहिए, बलिदान दिया नहीं किया ये कहना नहीं 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 मैंने मैंने उनके नाम का विरोध नहीं किया, मैंने उनके नाम का विरोध इसलिए नहीं किया, इनको इन्होंने उन्होंने जो नामकरण किया, उन्होंने मुगल सराय का जो नामकरण किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर की वहां सुविधाएं दे दे। अगर वो विकास की बात जैसे करते हैं, वहां मुगल सराय का नाम स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दे दे तो ये लगे कि हाँ उन्होंने नाम चेंज किया है। और जिस तरह से आज इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको चीफ गेस्ट बनाया गया वहां पर, आप समझिए सरकारी कार्यक्रम में एक राज्यसभा सदस्य को चीफ गेस्ट बनाया गया, जैसे पार्टी का एजेंडा लागू किया जा रहा है, इसकी मुझे केवल यहाँ पे आपत्ति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सुन लीजिए सोनिया गांधी चीफ गेस्ट कैसे रहेंगे वहां पर, आज आप सुन लीजिए, चीफ गेस्ट मनमोहन सिंह जी होते थे प्रधानमंत्री थे, वो हमेशा चीफ गेस्ट रहे, लेकिन आज सरकारी कार्यक्रम में जिस तरह से मुख्यमंत्री हो रहे, कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई गई, तो मुझे लगता है ये भी कभी जनता देख रही है, ये भी चिंता का विषय है। जो सवाल पूछा था मुझे उसका जवाब पार्टी एजेंडे को लागू किया जा रहा है, सवाल किया मैंने, पूछा नाम में क्या रखा है। मृदुल जी एक सेकंड, एक बात और, नहीं नहीं मृदुल जी, मृदुल जी एक हमारे बात बहुत छोटा रखिएगा। आज जैसे अमित शाह जी ने एनआरसी का मुद्दा उठाया उस कार्यक्रम में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा में गृह मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और इसका एनआरसी बनाने का काम ठीक है सर, एनआरसी पर चर्चा से पहले मैं आपको जवाब देता हूं, आपको बताना ठीक है मुकेश जी, एक सेकंड मुकेश जी, ठीक नहीं मैं इसको पूरा कर लेने दीजिए मुझे, आप एनआरसी के मुद्दे में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पत्नी का भी नाम नहीं है, और आपको पता है सर आपके साथी उस मसले पर क्या कह रहे हैं और आपकी राय क्या है, मैं फिर उस पे पूछूंगा तो सर आपकी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हमारी राय है तो वो हम बताना चाहते हैं सर, लेकिन अभी मैंने पूछना चाह रहा आपको, सर आप तो कुछ भी बताएंगे, जो मैं पूछूंगा वो आप बताइए। तीनों पार्टियों से मैंने सवाल किया प्रेमकांत तिवारी जी, और स्थितियां बहुत क्लियर थी, मैंने साफ पूछा था कि नाम में क्या रखा है, किसी ने नहीं बताया। अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि सर नाम में क्या सिर्फ वोट बैंक रखा है इसलिए नाम बदलने की सियासत होती है? देखिए मृदुल जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार आती है वो अपने जो भी विकास कार्य और कल्याणकारी कार्य होते हैं उनमें
अपने नेताओं के नाम से योजनाएं चलाती है, शिलान्यास करती है, लोकार्पण करती है, बहुत से कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा बहुत से स्थानों के नामकरण जो है वो अपने नेताओं के नाम से करती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए लीजिए तो उन्होंने लेकर के ज्योतिबा फूले से, और अभी दिवंगत हुए हैं कुछ वर्ष पहले मनवर कांचीराम के नाम से, वो बहुत से नाम होते हैं। और छत्रपति साहू जी जो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है उसको कितनी बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में तकरार चली है नाम बदल बदल करके, फिर हो गया छत्रपति साहू जी, फिर हो गया लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर हो गया लखनऊ मेडिकल कॉलेज। तो इस तरीके का पहले झगड़ा चला करता था, अब ये बात अलहदा है कि वो दोनों एक हो रहे हैं और एक दूसरे के इस समय मन भावन बातें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि भाई कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी का जिसने परचम लहराया था और जिसने स्वतंत्रता संग्राम में पूरा जिसका योगदान था, और उस समय कांग्रेस के ही नाम से पूरे आजादी के जितने दीवाने थे वो इकट्ठे थे, एकजुट हुए थे। तो उनके नेताओं के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से तो बहुत से आज भी रफी अहमद किदवई साहब हों या मोतीलाल नेहरू हों या जवाहरलाल संस्थान है, कॉलेज या महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, ये बात आपने भी सही कही और हमारे साथी वक्ताओं ने भी ये बात बहुत सही कही कि नाम से ज्यादा काम की जरूरत है, इसलिए सर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सुविधा दीजिए। लेकिन एक बात मैं और भी गौर कर रहा था कि मुगल सराय को अगर मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वो नगर नगर के नाम से स्टेशन जाना जाएगा तो कुल मिलाकर के या तो उपाध्याय नगर कहा जाएगा, DDU कहा जाएगा, स्टेशन बहुत छोटा सा नाम कोई रख लिया जाएगा उसके नाम से वो मशहूर हो जाएगा और उसको भी बहुत समय लगेगा। मुगल सराय लेकिन बहुत से लोगों के जबान पे दसियों साल तक रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात यह है कि अगर रेलवे ऐसा कुछ काम करे कि टाइम से रेल चले, दुर्घटनाएं ना हो, और ये तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सर अब हो गया, संरक्षा पहले भले ही पूरे देश में मुगल सराय को ना जाना गया हो लेकिन अब तो लोग पूछेंगे मनीष शुक्ला जी आपसे कि नाम भी बदला था, कुछ काम भी कर पाए आप या नहीं, ये तो चैलेंज हो गया सर आपके लिए। देखिए मृदुल जी, मैंने चर्चा के शुरुआती सत्र में ही कहा कि नाम और काम दोनों अलग अलग इशू हैं। हम तो चुनाव में काम के बदौलत ही जाएंगे। हमने जो काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, हम उसी आधार पर जनता के बीच में जाने वाले हैं। और नाम तो प्रेरणा के लिए, उनकी स्मृति से जुड़ा हुआ नाम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो आइडियोलॉजी दिया इस देश को राजनीति में, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले तो जुड़ा हुआ है। फिर मैं वही सवाल करूंगा, मुझे जवाब नहीं मिलेगा। पंडित दीनदयाल का मैं मान लेता हूं, लेकिन कानपुर, बरेली, आगरा, चिंतन वहां पर क्या जुड़ा हुआ है सर? वहां तो आप यूं ही चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा गणेश शंकर विद्यार्थी और कानपुर में आपस में क्या संबंध है? नहीं सर, ये बताने सर ऐसे तो बहुत संबंध निकलेंगे ना, फिर कोई कहेगा कि इसका नाम बदल के ये रख दो, उसका नाम बदल के वो रख दो, इसको बताने की आवश्यकता नहीं सर। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो सर बहुत सारी जानकारियां हमको मिलेंगी, बहुत सारे संबंध मिलेंगे, लेकिन सर हम हमेशा नाम थोड़ी बदलते रहेंगे सर। नहीं नहीं, हमें काम करना होगा। बिल्कुल मिलेगी, और मुझे लगता है कि इस देश में गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से भी होना चाहिए, वीर सावरकर के नाम से भी होना चाहिए। हम हमारी सरकार थी तो हमने बाबा साहब का तैलचित्र लगवाया, वीर सावरकर का तैलचित्र लगवाया, का भी नाम बदला, गुड़गांव को गुरुग्राम भी कर दिया। तमाम लोग जो आजादी के समय में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों के नाम, शहरों के नाम बदले ना सर, इसलिए वो बता रहा हूं, छिप गए, पीछे रह गए, उनके भी नाम सामने आने चाहिए। बिल्कुल सर, और ऐसा ना हो कि सर नाम बड़े दर्शन छोटे हो जाए, तो कोशिश यही होगी कि आपको जवाब देना पड़ेगा। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके जवाब पे? मनोज यादव जी बहुत छोटा रखिएगा, अगर आप सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे तो नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं हो सकते। नहीं नहीं सर, अगर आप गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम लेंगे तो नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं हो सकते। मेरा कहने का सेंस, उपाध्याय का नाम लेंगे तो नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं हो सकते। आप किसी स्टेशन का नाम रखेंगे तो वहां पर सुविधाओं का होना बहुत जरूरी हो जाता है सर, समझिए। मृदुल जी देखिए, मृदुल जी वीर सावरकर के नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं है सर। बाबा सावरकर के नाम पे अगर और उस पुल की रोड दरक जाएगी तो क्या होगा सर, आप खुद बताइए। तो नाम बड़े दर्शन छोटे नहीं है सर। स्टेशन का नाम, रोड का नाम रखने से अगर रोड खराब होगी तो किसी व्यक्तित्व के
या किसी व्यक्ति के नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोड बनाने वाले के नाम हम फिर पूछेंगे, इसलिए मैंने कहा नाम बड़े दर्शन खोटे ना हो जाए, वहां पर सुविधाओं के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। मनोज यादव जी कहना चाह रहे हैं, मनोज यादव जी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जी जी जी, तो चुनाव में हम तो चुनाव में अपने काम के बदौलत जाएंगे, ठीक है। हम कोई हमने बंगलों का निर्माण नहीं कराया था, हम कोई टोटी लेकर नहीं भागे थे, हमने कोई ऐसे एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं कराया कि हम जिसमें दरारें आ गई, हम तो अपने काम के बदौलत ही जाएंगे, हमको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाख रुपए आप काम के दम पे जाएंगे, देखेंगे किसका काम बोलेगा 2019 में। करेंगे मनोज यादव अपने काम के बदौलत जाएंगे, ठीक है। हम बंगले बनाने वाले लोग नहीं है। नहीं नहीं सर, अखिलेश यादव भी काम बदौलत गए थे, बताइए मनोज जी। देखिए एक नारा आया था अब की बार मोदी सरकार, उनका जो उसको विकास का टोटी मॉडल था। एक मिनट मनीष जी, समय बहुत कम है, आऊंगा मैं वापस आऊंगा। मनोज जी बहुत संक्षेप में, मोदी सरकार अखिलेश यादव लगातार बोलते थे, ये बीजेपी के लोग हैं, क्या रह गई बीजेपी के लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। जो मूलभूत इस देश में जो तमाम सारी चीजें जिनके नाम से ये देश जाना जाता है, इस देश का ताना बाना बदल दिया, तो नाम बदलना इनके लिए बड़ी छोटी बात है। हाँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मृदुल जी बीजेपी ने देश को बिल्कुल अस्थिर करने के लिए झोंक दिया। किस तरीके से चाइना को पूरा मौका दे दिया आज कि आप चाहो देश में पूरी ताकत लगा लो, चाहे पाकिस्तान। नाम तो बदला है लेकिन स्थितियां कब बदलेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुद्दा दूसरा होगा, लेकिन इस मुद्दे पर एक बात जरूर याद रखिए कि नाम में क्या रखा है, और अगर नाम में सब कुछ रखा है तो फिर नाम के बाद जो दर्शन होने चाहिए वो खोटे नहीं होने चाहिए, दर्शन भी अच्छे होने चाहिए। अगर नाम बदला है तो वहां पर सुविधाएं और स्थितियां बदलें। रुक रहे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौट रहे, कहीं मत जाइए।